लॉकडाउन के 1 महीने पहले से मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना छोड़ दिए थे और 1 महीने के बाद लॉकडाउन लग गया था। तो जब लॉकडाउन लग गया था तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगा था कि यार अब कैसे काम सीखा जाएगा। और पूरा पूरा दिन मेरा कैमरा ऐसे ही रखा रहता था, मतलब कुछ प्रोडक्टिव, कुछ शूट नहीं, कुछ सीख नहीं रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि अब कैसे काम सीखा जाएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि मेरे पास बहुत अच्छा सर्कल है। तो उस अच्छे से सर्कल में एक बहुत अच्छे इंसान ने मुझसे कहा कि शिवा, तुम्हें कुछ बनाना चाहिए। तो मैंने एक दिन ऐसे ही सोचा कि यार कुछ बनाते हैं। और उन दिनों मैं डॉग्स को फीड कराने पार्क में जाया करता था। तो मैंने एक दिन ऐसे ही कैमरा उठाया, मैंने कहा यार कुछ ना कुछ तो बनाते ही हैं। तो मैंने एक स्टोरी बनाई और वो स्टोरी मैंने अपनी पोस्ट करी इंस्टाग्राम। और इंस्टाग्राम पे जैसे ही मैंने पोस्ट करी, मेरे पास इतने मैसेजेस आए कि शिवा भाई क्या बना दिया तुमने, बहुत अच्छा। तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, अब मुझे इंस्टाग्राम स्टोरीज बनानी है। और मैंने 1 to 11 स्टोरीज़ बनाई और उन स्टोरीज से मैंने इतना भाई सीखा कि मैं क्या बताऊं। और उन स्टोरीज़ की वजह से मेरे पास इंडिया के बेस्ट फिल्म मेकर्स के मैसेज आए, इंडिया के बेस्ट डांसर्स के मैसेज आए कि शिवा तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हमें तुम्हारी वीडियोस देखने में मज़ा आता है। तो मैंने पूरा लॉकडाउन, पूरा 2020 सिर्फ मैंने वीडियोस बनाए और मैंने बहुत कुछ सीखा। तो 2020 मेरे काम के लिए काफ़ी अच्छा ईयर था, मेरे लिए यार बिल्कुल अच्छा ईयर नहीं था, मेरी फैमिली के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। बट मैंने काफ़ी कुछ सीखा है अबाउट फिल्म मेकिंग, अबाउट मेंटल हेल्थ। तो 2020 ये सिखा गया भाई। तो अब बात करते हैं 2021 की। तो 2021 में मेरे कुछ प्लान्स हैं, मेरे कुछ गोल्स हैं, तो मैं अभी आपको एक एक करके बताता हूँ। एक कौआ मरा जा रहा है। बट उसके पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि यार 2021 मैंने तो देखा नहीं कि सब कुछ अच्छा अच्छा रहेगा, सब कुछ ओके ओके रहेगा और हम वीडियोस बनाएंगे, तो शायद ना भी ये गोल्स और प्लान्स पूरे हो पाएँ। तो जिसमें पहला प्लान मेरा ये है कि मुझे 90 to 100 ब्लॉग्स वीडियोस बनाने हैं और वो वीडियोस मुझे ऐसे बनाने हैं कि 2 साल बाद शिवा भाई लौट के आए तो कहें कि क्या खूबसूरत मैंने वीडियो बनाए। तो मुझे ऐसे वीडियोस बनाने और उन वीडियोस से कुछ सीखने को मिले। तो ऐसे व्लॉग्स मुझे बनाने हैं इस साल। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया है कि मैं कुछ भी अपने चैनल पे लगा रहा हूँ, पूरा करो 90-100 बोला था, ऐसा नहीं है, अच्छे वीडियोस बनाने हैं। और दूसरा प्लान मेरा ये है कि मुझे अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस रहना है, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब मजाक की बात नहीं कर रहा, सच में मेरी तबीयत थोड़ी डाउन रहती है। तो इस साल मैं अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहूँगा, क्योंकि शरीर ठीक तो सब ठीक। और 2021 के स्टार्टिंग में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, तो वो आप ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास बहुत सारे लोग नहीं है यार कि मैं हाथ उठाऊंगा बोलूंगा नया साल आपका मंगलमय हो और हैप्पी न्यू ईयर गाइस और इंस्टाग्राम करेंगे हम, ये सब कुछ नहीं है। तो जितने भी लोग मुझे देखते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप बस मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। अगर आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहेंगे तो मुझे काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि इस साल बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मुझे आपका साथ चाहिए, आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा, मुझे पता आप रहेंगे बस। और 31 तारीख को, मतलब 31 को रात में मैंने एक छोटी सी चीज़ करी थी, तो आप वो देख के ज़रूर जाइएगा बस। ओके, हाँ भाई, तो आज 31 दिसंबर है और अभी 11:56 हो रहे हैं और मेरे पास एक पटाखा पड़ा हुआ है, तो अभी हम वो दगाते हैं। और मैं पटाखे टाके यार दगाता हूँ नहीं, वो एक पड़ा हुआ था तो मैंने कहा थोड़ा पार्टी सिस्टम हम बनाते हैं, क्योंकि मैं पार्टी आर्टी यार जाता हूँ नहीं और करता भी नहीं हूँ। तो हम और आप अभी वो दगाते हैं।